आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू हुए 5 साल हो चुके हैं पूरे। क्या हो चुके हैं? 5 साल हो चुके हैं। याद रखिए, इससे आपका प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन बनते रहे हैं और हो सकता है कि इस तरह से आंदोलन चल रहे हैं, किसानों की बात उठ रही है, तो मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कि 5 वर्ष पूरे हुए हैं और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे आप लोग पीएम एफ बी वाई के नाम से भी जानते हैं, कि 5 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा है कि भारत में कृषि का काफी महत्व है और रोजगार की दृष्टि से देखें तो देश की आधी आबादी को कृषि क्षेत्र रोजगार प्रदान करता है, यानी कि कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं लोग। और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो कोविड-19 के संकट में भी कृषि ने अपनी प्रासंगिकता सिद्ध की है और कृषि क्षेत्र प्रतिकूल परिस्थितियों का मुकाबला करने में सक्षम रहता है। एक तरह से आप लोग एक भी जानिए कि कई राज्यों में आपको देखने को मिलेगा कि 75 से 80% जनसंख्या आपकी खेती से जुड़ी हुई है, खेती पर निर्भर है। आप समझ सकते हैं, आपने देखा है कि सभी सेक्टर आपके लॉकडाउन के कारण ठप हो चुके थे, सबसे बुरी स्थिति में जा चुके थे, लेकिन हमारी जो लाज बचाई हुई है तो वो आपने कृषि सेक्टर ने बचाई हुई है, क्योंकि कृषि सेक्टर ने काफी मदद की है। आप समझिए कि जिस देश में आप सोचिए कि खेती नहीं होती होगी, लॉकडाउन के कारण टाइम उस देश में क्या हालत हुई होगी, समझ रहे हैं आप लोग? और आपने देखा है अभी हमारे किसान आंदोलन कर रहे हैं, बहुत लंबा आंदोलन चल रहा है, तब भी ये टॉपिक आपका चर्चा में आ जाता है कि किसानों का ख्याल क्यों नहीं रखना चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग? दुनिया की इस सबसे बड़ी इस कृषि बीमा योजना की सफलता में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों का भी योगदान है। इस बीमा योजना ने कृषि व समृद्ध क्षेत्रों के किसानों की दिशा बदली है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लागू होने के बाद से किसानों को क्लेम के 90,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इसके लागू होने की अभी तक बात तक खरीफ 2016 में योजना के शुभारंभ से खरीफ 2019 तक किसानों ने प्रीमियम के रूप में 16,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है और फसलों के नुकसान के दावों के रूप में किसानों को 86,000 करोड़ रुपए मिले हैं। अर्थात किसानों को प्रीमियम के मुकाबले 5 गुना से ज्यादा राशि दावों के रूप में मिली है। आप समझिए कि एक तरह से आप समझिए कि आपने 16,000 एक मतलब सभी किसानों ने 16,000 करोड़ रुपए भुगतान किया, क्योंकि जब आप कोई पॉलिसी खरीदते हैं, बीमा पॉलिसी खरीदते हैं, उसमें कुछ पैसा भी तो देते हैं, उसके बाद ही तो आपको वो दुगने या फिर तिगने या फिर ये 5 गुने मिले हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं। कुल आंकड़ा देखें तो योजना की शुरुआत से दिसंबर 2020 तक किसानों ने लगभग 19,000 करोड़ रुपए प्रीमियम भरी, जिसके बदले उन्हें लगभग 90,000 करोड़ रुपए का भुगतान दावों के रूप में किया जा चुका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 5 साल में 29 करोड़ किसान आवेदक बीमित हुए हैं और हर वर्ष औसतन 5.5 करोड़ से अधिक किसान योजना से जुड़ रहे हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि हर किसान चाहता है कि एक तरह से उसकी फसल किसी भी कारण से बर्बाद हो तो उसका मुआवजा मिलना चाहिए। आप देखते होंगे कि आपकी अगर गाड़ी खो जाती है, आप बीमा करवाते हैं तो आपको गाड़ी का कुछ ना कुछ मिलता है, या फिर आप देखते हैं कि पूरा पैसा मिल जाता है। आपने देखा होगा दुकानों का आप लोग बीमा करवाते हैं तो दुकान में अगर लूटपाट भी हो जाती है तब भी आपकी दुकान क्या होती है, उसका पैसा मिलता है आपको, रिफंड मिल जाता है एक तरह से, आप समझिए। तो कम से कम किसानों के पास से भी इस तरह की सुविधा होनी चाहिए कि वो भी तो उनकी जो वो काम कर रहे हैं उसमें तो और ज्यादा खतरा रहता है। कैसे खतरा रहता है आप समझिए कि बाढ़ कभी आ जाती है, कभी मौसम, कभी बरसात नहीं हो रही है, कभी इतनी बरसात हो रही है कि फसल चौपट हो जाती है, तो उनके इस सभी समस्याओं से एक तरह से उन्हें भी तो समाधान मिलना चाहिए, तो अच्छा काम है एक तरह से आप कह सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को की गई थी और इसे अप्रैल 2016 से लागू कर दिया गया था। तो इसे याद रखिए, इसकी शुरुआत 13 जनवरी 2016 को हुई थी, लेकिन इसे असल में अप्रैल 2016 से लागू किया गया था। पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अधिकाधिक जोड़ने के लिए वहां की राज्य सरकारों के खिलाफ
कि अंशदान को 90 दशमलव, माफ करिए, 90:10 कर दिया गया, जो पहले 50:50 था। देखिए पूर्वोत्तर की बात करें तो इस तरह आपकी बात कर रहा हूं, ठीक है, इन राज्यों की, तो इन्हें एक तरह से बेनिफिट होता है। आप समझिए किस तरह से बोल रहा हूं, कि इसमें आप देखेंगे कि 50% पहले किसका था, 50% था केंद्र का और 50% इसका राज्यों का, लेकिन आप क्या कर दिया गया है, 10% रहेगा किसका, राज्य का, 90% सेंट्रल यानी कि केंद्र का। एक अनुदान भी आप तो सुनते रहते होंगे कि इसमें क्या रहता है, कि अनुदान भी इसी तरह से दिया जाता है। केंद्र सरकार देती है, जब 100 रुपये दे रही है तो उसमें 90 रुपये उसे क्या होना, 90 रुपये उसमें क्या रहेगा, माफ कर देते हैं, लेकिन केवल उन्हें 10% ही यानी कि 10 रुपया ही लौटाना पड़ता है। बाकी राज्यों की बात करें तो आप देखते होंगे कि अगर 100 रुपये उन्हें दिए हैं दान में, तो एक तरह से 50 रुपये उन्हें लौटाने होते हैं, 50 रुपये उन्हें दान में मिल जाते हैं, अनुदान में मिल जाते हैं एक तरह से, ठीक है। तो यही आंकड़ा है यहाँ। इस फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बनाया गया है, इसके साथ ही इसे उन्नत प्रौद्योगिकी से भी जोड़ा गया है। इस प्रकार आज यह योजना किसानों के लिए प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में एक बड़ा सुरक्षा कवच है, जिसका लाभ देश भर में किसानों को मिल रहा है। क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से भी किसान अब अपने आवेदन की स्थिति और कवरेज के विवरण को घर बैठे जान सकते हैं और फसल नुकसान की सूचना भी दे सकते हैं। इससे दावों की राशि का आकलन तत्काल ईमानदारी व पारदर्शिता से किया जाता है, जिससे किसानों की बीमा दावों को दावों का निपटान तेज गति से हो सके, उन्हें भुगतान मिलने में देरी ना हो। फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को दावा का भुगतान कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। और आजकल हमारे प्रधानमंत्री साहब को देख रहे हैं आप लोग कि आत्मनिर्भर पर भारत पर उनका कुछ ज्यादा ही जोर है। तो आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब आप लोग निर्भर होंगे, किसान निर्भर होंगे, आप समझिए, और भी जो भी सेक्टर है उन क्षेत्रों में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो जब से एक तरह से आत्मनिर्भर होंगे तभी तो भारत आत्मनिर्भर होगा, समझ रहे हैं, जब सभी लोग शक्तिशाली होंगे, ताकतवर होंगे, तभी तो भारत ताकतवर होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान करना होता है, जबकि वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम केवल 5% है। अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले पट्टेदार जोतदार किसानों सहित सभी किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें सभी खाद्य फसलें जैसे अनाज, बाजरा, दालें, तेलहन, वार्षिक वाणिज्यिक, वार्षिक बागवानी की फसलें भी इसमें आपकी शामिल हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सुरक्षा की बात करें तो इस जो योजना में फसल के निम्नलिखित चरण और फसल नुकसान के लिए जिम्मेदार जोखिमों में से सुरक्षा प्रदान की गई है। बुआई, रोपण में रोग संबंधित जोखिम, बीमित क्षेत्र में कम बारिश या फिर प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण बुआई रोपण में उत्पन्न रोग, अगर इस तरह की कोई समस्या होती है तब भी आपको इसका लाभ मिलेगा। खड़ी फसल, बुआई से कटाई के तक के लिए सूखा, अकाल, बाढ़, सैलाब, कीट रोग, भूस्खलन, प्राकृतिक आग और बिजली, तूफान, ओले, चक्रवात, आंधी, टेम्पेस्ट, तूफान, बवंडर जैसे जोखिमों के कारण उपज के नुकसान को कवर करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान की जाती है। आप समझिए, कभी आपने देखा होगा कि भगवान ना करे ऐसा, फिर भी किसी किसान के उसमें खेत में आग लग जाती है, बिजली गिरने से या किसी भी कारण से, या कोई और लगा देता है, तब भी आपको इसका फायदा मिलेगा, ठीक है, तभी इसकी पूर्ति आपकी की जाएगी जो भी नुकसान होगा। कटाई के उपरांत की बात करें तो फसल कटाई के बाद चक्रवात और चक्रवाती बारिश और बेमौसम बारिश के विशिष्ट खतरों से उत्पन्न हालात के लिए कटाई से अधिकतम 2 सप्ताह की अवधि के लिए कवरेज उपलब्ध है। फिर आप देखेंगे स्थानीय आपदाएं, अधिसूचित क्षेत्र में मूसलाधार बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसे स्थानीय जोखिम की घटनाओं से प्रभावित पृथक खेतों को उत्पन्न हानि, क्षति, एक तरह से समझिए अभी कि अभी बहुत सारे किसान इस योजना से छूटे हुए भी हैं। सब जब इस तरह के जो भी टॉपिक हुआ करेंगे और आपको जानकारी होती है तो आसपास के किसानों तक पहुंचा जरूर दिया करिएगा, ठीक है, उन्हें भी जरूर इससे जुड़ना चाहिए, ठीक है, उन्हें भी फायदा
मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर उद्देश्य की हम लोग बात करें तो प्राकृतिक आपदाएं, आपदाओं, कीट और रोगों के परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना है, और कृषि में किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थापित भी करना है, किसानों को कृषि में नवाचार और आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना इस योजना का उद्देश्य है। तो ये कहानी है आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। इसके जो भी पॉइंट है ने याद रखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं और बनते रहे हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। ठीक है,